राहुल भाई, अगर हम विराट की इस इनिंग को देखें वर्ल्ड कप से पहले, हमने उनको आईपीएल में भी देखा है कि ओपन करते हुए 5 शतक मार चुके हैं और आज एज अ ओपनर ही उनका शतक आया है, तो क्या एज अ वाइस कैप्टन और टीम मैनेजमेंट में जब बात होगी तो क्या ये सोचा जाएगा कि शायद लुकिंग अहेड जो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका सीरीज है, वर्ल्ड कप है, क्या ट्राई किया जाए उनको, क्योंकि पिछले साल उन्होंने कहा था कि वो ओपनिंग भी करना चाहेंगे। तो क्या मैं खुद बैठ जाऊँ फिर? आई मीन देखिए, ऑब्वियसली विराट स्कोरिंग रन्स इज़ अ ह्यूज बोनस फॉर द टीम, एंड जिस तरीके से उन्होंने आज खेला, इट ऑब्वियसली यू नो, आई नो दैट ही इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी प्लीज्ड विथ हाउ ही बैटेड टुडे, एंड जो वो अपने गेम पे काम करते आ रहे हैं पिछले 2-3 सीरीज से, एंड दैट इज़ वर्क ब्यूटिफुली टुडे, एंड एज अ टीम एज वेल इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर प्लेयर को वर्ल्ड कप जाने से पहले यू गेट इनफ टाइम इन द मिडल। अगर आप ऐसे 2-3 इनिंग्स खेलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, तो देन इट गिव्स अस द बेस्ट चांस टू बी आवर बेस्ट सेल्फ इन द वर्ल्ड कप। सो रियली हैप्पी दैट ही कुड प्ले दैट वे, एंड आप जानते हैं विराट कोहली को, आप सबने इतने इतने सालों से देखते आ रहे हो, ऐसे नहीं कि अगर ओपनिंग करेंगे तभी वो 5 शतक मारेंगे, अगर नंबर 3 पे भी खेलेंगे वो 6 या 7 भी बना सकते हैं। यू नो इट्स ऑल अबाउट रोल्स और किसका क्या रोल है टीम में, एंड ही प्लेड टुडे जो रोल था उनका, ही प्लेड इट ब्यूटिफुली। नेक्स्ट सीरीज में हम जब खेलेंगे, इफ हिज रोल इज़ डिफरेंट, ही विल डू दैट विथ his best performance, and we all know that, we've seen that over the years, so there's no question mark about that. आप विराट कोहली के 100 lack of 100 को लेकर 3 साल से बात हो रही थी, आप लोग टीम में देखते थे विराट को, देखते थे किस उस प्रोसेस में, कैसे उन्होंने निकाला एज ए टीम में, आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि एक बड़ा प्लेयर कैसे इसको हैंडल करता है, प्लस आप मिडिल में थे तो किस तरह की बात हुई या ड्रेसिंग रूम में किस तरह का सेलिब्रेशन रहा, क्योंकि 100 के बाद उनका बड़ा ही अनयूजुअल सेलिब्रेशन था, बड़ा रिलीफ क्वाइट उसके बाद। ऑब्वियसली उनको भी यू नो, आई थिंक दैट सेलिब्रेशन वॉज मोर अ रिलीफ, एंड यू नो उनके माइंड सेट में या उनके एटीट्यूड में या उनके वर्क एथिक में कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस नहीं था लास्ट 2-3 ईयर्स में या उससे पहले जब हम खेलते थे, एंड व्हेन ही यूज्ड टू स्कोर hundreds every second game or every game literally, there's been no difference in the way he prepares for the game or unke jo attitude hai to represent the country and to win matches for his team, the desire and the passion that he's always had has always remained the same. But I think we're also very obsessed with numbers, we're also very obsessed with that 3 digits ki अगर 100 बन रहे तभी कोई फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है, बट उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स में हैज़ बिन फिनोमिनल। ही स्टिल इज़ इन द टॉप 2 और टॉप 3 रन गेटर्स इन वाइट बॉल क्रिकेट इन द लास्ट 2 or 3 ईयर्स, एंड दैट्स गुड, एंड ऑब्वियसली एज अ प्लेयर यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट और यू वॉन्ट टू चैलेंज योर सेल्फ और जो एक्सेलेंसी के पीछे आप भागते हो, एंड ही इज़ ऑलवेज बिन दैट प्लेयर एंड ही इज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली ओवर द ईयर्स, बट इवन ड्यूरिंग दिस फेज ही इज़ रिमेंड यू नो ही इज़ रिमेंड इन द मोमेंट, ही इज़ वर्कड हार्ड ऑन हिज गेम एंड ही इज़ रिमेंड पेशेंट, एंड दैट इज़ बिन अ बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस इन द ग्रुप कि हर प्लेयर के करियर में ये अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, एंड हाउ यू कैन रिमेन बैलेंस्ड इन योर माइंड सेट, हाउ यू कैन फोकस on what is in front of you today, that is the biggest challenge. Sometimes it's also hard for us to focus on the simple things because there's so much pressure, there's so much at stake when you go and play for your country, there's so many expectations, you forget to focus on the simple things, and it is the hardest thing, but I think he's done that brilliantly over the last couple of years, and in that dressing room none of us are surprised to see what he's done today, and I'm sure this will give him even more confidence, not that he needed confidence, but he'll obviously cherish this 100 and you know it'll build a great confidence around the group as well. This is Extra Time.
extra time.